दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमोडिटी में हम कॉपर का यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। कॉपर के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हमें क्या देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। जिस प्रकार से कॉपर अभी मूवमेंट कर रहा है, कॉपर में कंटिन्यू हमें डाउनफॉल देखने को मिला है और अभी निचले लेवल पे इसमें एक रिवर्सल का पैटर्न देखने को मिला है, तो इस पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं और आने वाले समय में कॉपर के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। तो दोस्तों समय न लेते हुए हम यहाँ पे एंजल वन एप्लीकेशन पे आएंगे और एंजल वन एप्लीकेशन पे आके हम यहाँ पे कॉपर के इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को देखेंगे। इसके लिए आपको एंजल वन एप्लीकेशन पे आप जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आपको एप्लीकेशन को थोड़ा ऊपर की ओर स्क्रॉल करना होता है। आपको ऊपर की ओर में एक ब्लैक कलर का बैनर देखने को मिलता है। इस बैनर पर आपको लिखा हुआ मिलता है इंस्टाटेड एफएनओ। तो इस इंस्टाटेड एफएनओ के ऊपर आपको क्लिक करना होता है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे इंस्टाटेड की ट्रेडिंग विंडो ओपन हो जाती है। दोस्तों इस ट्रेडिंग विंडो की खासियत होती है कि अगर मान लो आपने कोई ट्रेड लिया है या आप कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप यहीं से अब नीचे साइड में आपको बाय और सेल की बटन देखने को मिलेंगी। इस बाय और सेल की बटन के से आप यहाँ से अगर आप फ्यूचर में काम कर रहे हैं या ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो आप यहीं से डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। सेल का ऑप्शन भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है। अगर आपको लगता है कि आपका पोटेंशियल रिटर्न आपको बुक करना है तो आप सेल ऑप्शन का यूज़ यहाँ से करके अपना पोटेंशियल रिटर्न बुक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि अगर आपने एक बार पोजीशन यहाँ पे बनाई है तो पोजीशन बनाने के बाद आपका जो P&L है आपको ऊपर साइड में यहाँ पे हाईलाइट होते हुए दिखाई देता है और आप अपना P&L आप एनी टाइम यहाँ से बुक कर सकते हैं। अगर आपको ऑर्डर को डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है तो नीचे आपको ऑर्डर की बटन देखने को मिलती है। इसी सहायता से आप ऑर्डर को मॉडिफाई, डिलीट कर या कैंसिल कर सकते हैं। साइड बार का यूज़ करके हम अलग अलग टूल्स लगा सकते हैं और एफएक्स ऑप्शन का यूज़ करके हम यहाँ पे अलग अलग इंडिकेटर लगा के चार्ट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप कोई भी कमोडिटी का एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे प्लस की बटन देखने को मिलेगी। इस प्लस की बटन का यूज़ करके आप यहाँ से अपना डेटा को लगा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कॉपर कमोडिटी को लगाने की बात कर रहे हैं, कॉपर कमोडिटी को यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ से लगाने के बाद अगर आपके पास यहाँ लगा नहीं है तो आप यहाँ से एड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे पहले ही इसको लगा के रखा है तो हम यहाँ पे थोड़ा इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक साइड में कॉपर का जो कि 31 मई एक्सपायरी का फ्यूचर है ये लग जाएगा, ये दिखाई देगा। हमारे सामने यहाँ पे कॉपर का फ्यूचर लग चुका है और जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि कॉपर में एक रिवर्सल का पैटर्न हमें देखने को मिलता है, तो ये पैटर्न की जो बात करें तो ये पैटर्न आपको जो देखने को मिल रहा है एक डोजी पैटर्न यहाँ पे बना हुआ देखने को मिल रहा है। और हमने यहाँ पे जो कॉपर के इंपॉर्टेंट सपोर्ट को लगाया हुआ था उस सपोर्ट के ठीक ऊपर यहाँ पे हमें बनते हुए नजर आता है। मतलब कि जो हमने सपोर्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था वो सपोर्ट को इसने ब्रेक नहीं किया है, उसी को होल्ड किया हुआ है। अगर इसको सपोर्ट को होल्ड करने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि अगले दिन कॉपर के अंदर कितने गैप के साथ ओपनिंग देखने को मिली और ये ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास बंद होता हुआ दिखाई दिया। मतलब कि इस प्रकार से जो बना पैटर्न है ये एक मॉर्निंग स्टार को इंडिकेट भी करता है। अगर मान लो कि ये पैटर्न इस प्रकार से कामकाज करता है और हम इस जो डोजी कैटर्न है, इस पैटर्न है, इसके नीचे का हम एक सपोर्ट को एज अ SL के जैसे यूज़ कर सकते हैं और आने वाले समय में अगर हम इसके अपसाइड के कुछ रेजिस्टेंस देखना चाहते हैं तो आपको 715 का पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि कुछ समय पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, अभी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर ये रेजिस्टेंस पार होता है तो आने वाले समय में हमें कॉपर के अंदर 728 का अगला रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। ये दो रेजिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कॉपर के लिए। अगर 728 का रेजिस्टेंस यहाँ पे कॉपर पार कर जाता है तो आने वाले समय में कॉपर में हमें एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये तो होगा इसके सपोर्ट की बात, रेजिस्टेंस की बात हो गई। अब यहाँ पे हमें देखना होता है कि कॉपर के इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या हो सकते हैं, सपोर्ट किस साइड में कॉपर ले सकता है। तो ये जो कैंडल है, आपको जो डोजी कैंडल देख रहा है, इसका नीचे का जो लेवल है यह इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक यह सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा तब तक कॉपर में हमें गिरावट देखने को नहीं मिल सकती है। मतलब कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो कॉपर में यहाँ से और ज़्यादा दबाव देखने को मिलेगा और ये सपोर्ट जो बना हुआ है इस पॉइंट पर ये तकरीबन 690 के आसपास बना हुआ है। अगर 690 का लेवल यहाँ से ब्रेक होता है तो भी कॉपर में और ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल सकती है और इसके बाद कॉपर जो है यहाँ से 680 या 670 के प्राइस के नीचे भी स्लिप हो सकता है। इसके साथ ही अगर हम MACD इंडिकेटर के ऊपर एक नज़र डालते हैं तो इसमें एक लंबे समय से गिरावट देखने को मिली है और इसमें अब निचले स्तर से एक अपसाइड का मूव यहाँ पे देखने को आ रहा है। कहने का मीनिंग यह है कि अगर मान लो कि MACD लाइन में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हो जाता है तो यह हमें एक पॉजिटिव साइन दिखाएगा और यहाँ से हमें कॉपर में एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे कॉपर में आने वाले समय के लिए पोजीशन बना सकते हैं। अगर हमें कॉपर को बाय करना है तो यहाँ पे बाय बटन देखने को मिलेगी और अगर कॉपर को सेल करके शॉर्ट की पोजीशन बनाना है तो सेल ऑप्शन भी यूज़ करना होता है। दोस्तों जैसे अगर हमें लगता है कि कॉपर में ऊपर के लेवल आ सकते हैं, कॉपर में बाइंग करना चाहिए, तो हम यहाँ पे बाय ऑप्शन के साथ जाते हैं। जैसे कि मुझे लगता है कि कॉपर में आने वाले समय में तेजी आ सकती है और मुझे कॉपर को बाय करना चाहिए,
तो मैं यहाँ पे बाय ऑप्शन का यूज़ करूँगा। और यहाँ पे बाय ऑप्शन का यूज़ करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे कॉपर की ऑर्डर विंडो ओपन हो जाती है। इस ऑर्डर विंडो में मुझे यहाँ पे लॉट साइज मेंशन करना होता है। हम हमारे फंड और हमारे रिस्क मैनेजमेंट के आधार पर यहाँ पे हम लॉट साइज को एंटर करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंगल लॉट के लिए ऑर्डर लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे वन टाइप करूँगा। एक टाइप करने के साथ साथ जो अभी कॉपर की वैल्यू चल रही है, ये प्रीमियम चल रहा है, ये 706 का से ज़्यादा का चल रहा है, तो इस प्रीमियम के अकॉर्डिंग में जो हमें मार्जिन लगता है वो नीचे देखने को मिलता है। और यहाँ पे कॉपर के एक लॉट में जो क्वांटिटी आती है ये 2500 क्वांटिटी किलोग्राम क्वांटिटी हमें मिलती है। और यहाँ पे नीचे बाय बटन देखने को मिलता है, इस पर सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंफर्म का आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसे कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। जैसे कंफर्म बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कंफर्मेशन का मैसेज आता है, अभी मार्केट बंद है और अभी अगर आप ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो आप आफ्टर मार्केट में ऑर्डर लगा सकते हैं। हम यहाँ पे यस ऑप्शन पे प्रेस करते हैं और हमारा ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग में चला जाता है। अगले दिन जैसे मार्केट ओपन होता है और यह प्राइस जो हमने लगाया है यह प्राइस आता है तो हमें कॉपर में हमारे पोजीशन बनने के बाद हमारा जो P&L है एंजावन एप्लीकेशन पे ऊपर ही देखने को मिलता है। इसके साथ ही अगर हम अपना पोटेंशियल रिटर्न को बुक करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सेल ऑप्शन का यूज़ करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से हम अपना पोटेंशियल रिटर्न बुक कर सकते हैं। तो इतना ही आसान है एंजावन एप्लीकेशन में इंस्टाट्रेड को यूज़ करना और यहाँ पे काम करना। दोस्तों अगर आपने अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट से जुड़ा हुआ या कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। दोस्तों अगर आप एंजलबन का बेस्ट फीचर का लाभ लेना चाहते हैं और आपने अभी तक अपना डिमेट अकाउंट एंजलबन में ओपन नहीं किया है तो बेस्ट ऑफर के साथ अपना डिमेट अकाउंट एंजलबन के साथ ओपन करवा सकते हैं। हमने डिमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक को डिस्क्रिप्शन में लगा के रखा है। मिलते हैं दोस्तों अगले टेक्निकल एनालिसिस में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।